Mr. Narendra Modi came to power with an aim of making India a $5 trillion economy by 2024. With that goal, the Modi 2.0 government tabled their first economic survey today in the parliament. Hi, I'm Ashmita and you're watching the Q-Wrap. And first up, the economic survey which was tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman predicts a growth rate of 7%. It was made by Chief Economic Advisor Subramanian, who listened to what he has to say. It's shifting gears through a virtuous cycle. As I'll just quickly describe, we have been growing at a good rate, but we now need to be shifting gears to grow at 8% continuously in a sustained manner. And that is what this strategic blueprint is about. This blueprint we intend to achieve by setting the economy on a virtuous cycle, with investment as the key driver of that virtuous cycle. The tactics that we're going to be focusing on, which several chapters in the volume one of the survey describe, are behavioral economics. As I will quickly describe, this is a key departure from traditional economic thinking. We're talking about legal reforms that are required to ensure that the ease of contracts is enhanced. We're going to talk about data as a public good, how that can enhance the ease of living of people, and how MSMEs can be unshackled to create jobs and productivity in the economy. Also, we have Mayank with us to tell us what are the new things that have been introduced in this year's economic survey. Ek slogan hai, badlao, beti aapki dhanlakshmi aur vijay lakshmi. Dusra hai, swachh bharat se sundar bharat. Aur ek do cheez jo hai isme, jaise behavior nudge ki baat kahi gayi hai. तो किस तरह का शिफ्ट वो एडवोकेट कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल देते हैं. उनका कहना इस सर्वे में कहा गया है कि आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को हाईलाइट मत कीजिए, इससे खतरा होता है कि वो नॉर्मल दिखने लगता है. इंस्टेड हम उस बात पे फोकस करें अच्छा कहाँ हो रहा है. जैसे एक कंपनी में अगर वीमेन एम्प्लॉय कम है, इंस्टेड अब उसको हाईलाइट करने के बजाय अगर हम ऐसी कंपनी के बारे में बताएं जहाँ वीमेन एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बिहेवियरल शिफ्ट आएगा और जेंडर बेस्ड पैरिटी आएगी. टैक्स कंप्लायंस के लिए उन्होंने कहा है कि दो अप्रोच अपनाया जा सकता है. जैसे मैं अगर मान लीजिए कि टैक्स इवेड करता हूँ और आप टैक्स कंप्लायंस को फॉलो करती हैं, तो आपके जरिए हमको मैसेज देने की कोशिश की जाए कि टैक्स देना अच्छा होता है, अपने पीयर के थ्रू, अपने इन्फ्लुएंसर के थ्रू. उसके अलावा जो कंसिस्टेंटली टैक्स भरते हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए. तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने का बेसिकली बिहेवियर, आसपास के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें ताकि जो गोल, इकोनॉमिक गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकें. मतलब दे हैव टोल्ड अस टू बेसिकली फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव्स. या हाँ, और तीसरी बात उसमें है, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है उसमें, कि डेटा को पब्लिक गुड की तरह, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिस तरह रोड्स है उसी तरह गवर्नमेंट डेटा क्रिएट करके उसको पब्लिक गुड की तरह पेश करे. एक कंट्रोवर्शियल लाइन उसमें है कि प्रिवेसी जो है वो इलीट का प्रेफरेंस है. प्रिवेसी के नाम पे हम पुअर को के अपलिफ्टमेंट को होने से डिप्राइव नहीं करें. तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होगा कि प्रिवेसी गरीबों का ही, गरीब का मामला नहीं है क्या, उनको प्रिवेसी नहीं चाहिए क्या, अमीरों को ही सिर्फ प्रिवेसी चाहिए. तो वो दो तीन नई बात है, लेकिन हमको सबसे बड़ी बात ये लगी कि इकोनॉमिक सर्वे जो एकदम से बोरिंग डॉक्यूमेंट हुआ करता था और इसको बदलने की शुरुआत अरविंद सुब्रमण्यम जी ने किया था और वो कंटिन्यू कर रहा है. इस सर्वे में भी बहुत सारे नए आइडिया हैं. आप उसे एग्री करें या डिसएग्री करें वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ हैं नए अप्रोच के तरह, मतलब प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश हो रही है. तो ये अच्छा चेंज है मेरे हिसाब से. द नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट राहुल गांधी. अ डे आफ्टर ही रिजाइंड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही अपीयर्ड बिफोर अ मुंबई कोर्ट वेयर ही प्लीडेड नॉट गिल्टी इन अ आरएसएस डेफामेशन केस. एन आरएसएस वर्कर हैड फाइल्ड दिस केस अगेंस्ट गांधी सेइंग दैट ही लिंक्ड
saying that he defamed the RSS by linking Gauri Lankesh's murder with the right-wing organization. Listening to what he told reporters outside the court earlier. मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे अपीयर करना था, विचारधारा की लड़ाई है, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, और आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल जारी रहेगी और जोरों से चलेगी। जैसे पिछले 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। Reports of crime flood our news feeds every single day, and yet the Modi government cannot tell us exactly how many crimes were committed in the last 3 years. Despite being asked at least 24 times in the ongoing parliament session, the Modi government either evaded question or said there is no published data of crime since after 2016. Interestingly, this comes after MHA sent an advisory to the West Bengal government quoting exact figures on the numbers of political violence in the state. How is it possible that after a few days they do not have any data to back their claims? We have Vikasha with us, who is researching for the story. Vikasha, can you tell us something more about it? So basically what's interesting to see here is that the government has the NCRB releases data every year. They're supposed to release every year for the previous year. What are the statistics on crime? So the last report we got was back in 2017, which said this is the data from 2016. Since then, we've got nothing. And this is important because, as you pointed out, now the government is not says West Bengal data is here for crimes committed and why, look at the law and order situation. And yet, they're saying, on the other hand, every time they're asked questions about the status of the status of the NCRB report or what are the statistics on this, they just say, oh no, we don't have any information right now. The NCRB reports are not out yet. The only previous NCRB report is this one. Why don't you look at that info? Now, why this came up actually, what we found in particular come up was, one, you see this questioning all the time, which comes with West Bengal and other states, which they don't seem to like. And the other thing is another selective the fact that they only selectively release information. So what we looked through were all the parliamentary questions asked in this current Lok Sabha session. So now those questions have to be answered by the government. They can't not answer those. And normally that you get information there which isn't always released in the public because that's what the because they're required to provide that information. 24 questions were asked to the government specifically saying, okay, give us data about cyber crimes, crimes against women, farmer suicides, all of these things. For the last 3 years. Now, unlike, they didn't say, oh, just give us some data from, you know, recent years. It said, for the last 3 years and the current year. So, which means they were asking specifically for these dates. The government every time just evades the question, doesn't say anything about why they don't have any new information, just says, oh, here's the NCRB data for 2014 to 2016. So, you know, it's deliberately evading that. But yet, as we've seen with the West Bengal example, they somehow have data there. In their own responses which they've given in parliament, they somehow magically have responses for fake currency. Crimes related to fake currency, oh, we have all of that. And all of it is coming from the NCRB. But the moment you ask them about anything else, they don't have the data. Why exactly do you think there is no published? Like, what is the reason for not having published these data after 2016? I mean, it doesn't make a lot of sense because this kind of data, publishing these reports should be a lot easier in today's day and age when everything is digitized, right? You've had big delays back in the past, but ever since 2004, it's always come up with a maximum of 12 months, of 11 months delay. Even districts and states, they collect their own data and they ultimately give it to the national crime record. There's a whole process which is followed. Yeah. It's all done, which is very, very straightforward. And there's not been a delay, as I said, for the last 15 years of more than 11 months. Now we've gone well past that. So like this is by far the longest delay we've seen. Last year they tried to justify it saying, oh, we merged some, you know, statistical bureaus together, which actually wasn't even true. And they've not even, and even if that were the case, that doesn't mean that you don't get the information as it stands. The funny thing is they told the Hindu recently, a government official told the Hindu, oh, the reason we don't have the latest stats is because West Bengal hasn't given it to us. And yet magically they have stats when they want to prove that West Bengal's law and order situation. Right. Spider-Man Far From Home is releasing this week. And Peter Parker and all of us must get used to living in a world without our favorite Avenger, Tony Stark. Well, did Tom Holland live up to the expectation of Tony Stark in this recent movie? Watch our review.
Spider-Man Far From Home आपकी नजदीकी सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है. बट बिफोर आई टेल यू द रिव्यू, जनहित में जारी डू नॉट गेट अप, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट दो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस. तो चाहे लाइट्स ऑन हो जाएं या लोग धक्का मार के जाने लगे, आपने टिक के बैठे रहना है. थैंक मी लेटर. दर्शकों कृपया ध्यान दें, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, टू द पॉइंट होगा, लिमिटेड बोलना है इसलिए चिल होके बैठो. EDITH, इवन डेड आई एम द हीरो. टोनी स्टार्क पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है. फ्रैंकली वी ऑल नीड टाइम टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर आवर फेवरेट एवेंजर्स आर नॉट देयर, टोनी स्टार्क इज नॉट देयर. एंड टू मॉर्न हमें भी वक्त चाहिए और ये वक्त पीटर पार्कर को भी चाहिए जो इस फिल्म में दिया. एज अ पार्ट ऑफ आवर स्पेशल प्रोजेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, वी रिसेंटली विजिटेड बिहार's दरभंगा हॉस्पिटल where the doctors tell us that they often fall prey to the diseases they happen to cure. Watch this gut-wrenching story by Shada. कई बार डॉक्टर से सर है कि वो खुद ही टीवी का बीमारी लेके जाते हैं यहाँ से, मतलब वो बनने आए थे डॉक्टर बन के जाने पेशेंट. हम हमेशा इंडेंजर में वर्क करते हैं, डर के माहौल में काम करना होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, झेल रहे हैं. इमरजेंसी देखिए आपको अंदाजा लग सकती है वर्क कंडीशन में, यहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं बैठे, यहाँ पे किसी की आंखों में पर्दा नहीं है, सबको सब मालूम है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पे छुट्टी छपा देते हैं. इस वर्क कंडीशन वर्क करने के बाद जो मेंटल ट्रॉमा के मेंटल मेंटल टॉर्चर है यहाँ पे, डेली डर के काम करना पड़ रहा है यहाँ पे. कुछ लोग डॉक्टरों को मसीहा कहते हैं, कुछ लोग भगवान, लेकिन कुछ लोग डॉक्टरों पर नेग्लिजेंसी का आरोप लगाते हैं और उन पर हमला होता है. ऐसे में हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये जानने के लिए कि इन डॉक्टरों की ज़िंदगी कैसी है, क्यों इन लोगों पर हमला होता है और किस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे होते हैं. जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात जूनियर डॉक्टर से होती है, तो आज हम अपने इस वीडियो में उन जूनियर डॉक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Our reporters are going on ground in different parts of the country to find out in what conditions and under what threats that our doctors work in. Head to our site to check out all the other reports. And that's all we have for today's Q-Wrap. Join us again tomorrow for all the news and updates.